दृष्टिबाधित विद्यालय के छात्रों ने विद्यालयों की सुविधाओं को लेकर लगाया जाम। दृष्टिबाधित विद्यालय के छात्रों ने आज विद्यालय में तमाम सुविधाओं की मांग को लेकर के बांदा फतेहपुर टांडा हाईवे में जाम लगा दिया। घंटों लगे जाम के बाद जब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो छात्रों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। आपको बता दें कि पूरा मामला देहात कोतवाली अंतर्गत के महुखक गाँव का है, जहाँ पर शुक्रवार को दृष्टिबाधित छात्रों ने जाम लगा दिया। दृष्टिबाधित विद्यालय महोखा के छात्रों का कहना है कि उनके यहाँ नहाने के लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं है, शिक्षकों की कमी है, साथ ही अभी तक सरकार से मिलने वाले मोबाइल और टैबलेट भी नहीं मिले हैं। कई बार पत्राचार के माध्यम से शिकायत भी की गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आक्रोशित छात्रों ने बांदा फतेहपुर टांडा हाईवे मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान छात्रों और पुलिस वालों के बीच बहसा बहसी भी हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जॉइंट मजिस्ट्रेट ने छात्रों को समझा बुझाकर के जाम खुलवाया और आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याएं दूर की जाएंगी। बांदा से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार, ये बताइए क्यों जाम लगाए थे आप लोग? यस सर, जाम लगाए थे हम लोग स्कूल में हो रही व्यवस्था को लेकर और कुछ चीजों की। क्या व्यवस्था हो रही? जी सर, जैसा कि हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन के लिए मांग किया था सर, वो मोबाइल फ़ोन नहीं बढ़ रहे थे यहाँ पे, उसके लिए हम लोगों ने मांग किया था। और जो टीचरों की कमियाँ थी लैंग्वेज वगैरह को लेकर और हो रही है व्यवस्था को लेकर, उसके लिए मांग किया था, क्योंकि स्कूल में अभी देखेंगे सर, जिस बाथरूम में हम नहाते हैं उस बाथरूम के कई सारे दरवाजे खराब हैं सर, टूटियाँ खराब है, पानी लीक होती रहती है। वैसे बुंदेलखंड में पानी कमी है, पानी लीक होते रहते हैं बराबर से, हमें दिक्कत आती रहती है रोज से। हम लोगों ने कई सारी एप्लीकेशनों से अवगत कराया है, जहाँ तक हमारी जानकारी थी वहाँ तक हमने अवगत कराया है सर। जी सर, वो कार्य नहीं हो पाया, इसलिए हमें ये कदम उठाने पड़े सर। कोई अधिकारी आया? हाँ सर, अधिकारी आए हैं, ये अधिकारी हैं भी सर। आप इनको जाना जल्दी। जो जाम लगाए थे क्या मामला था, क्यों लगाए थे जाम, क्या मांग थी? डिमांड्स हैं, उसमें एक है कि उनको मोबाइल फ़ोन वगैरह चाहिए होगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं शासन से, अभी तक वो ग्रांट नहीं मिला। जेडी से भी, जॉइंट डायरेक्टर साहब से भी बात हुई है, अभी डीएम मैम के सामने पेश करने के लिए बच्चों को ले जा रहे हैं, उसके बाद जो निर्णय डीएम मैम लेंगे वो किया जाएगा। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम जगत साय है।